फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एस्टमिन फोर कैप्सूल यूज। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एस्टमिन फोर कैप्सूल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इस कैप्सूल के क्या के यूज एवं साइड इफेक्ट हैं। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। उससे पहले हमारे चैनल पर जो नए आए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एस्टमिन फोर्ट कैप्सूल के बारे में जानते हैं। इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से कई प्रकार की बीमारियों के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कमजोरी जैसी समस्या के लिए अधिक किया जाता है। फ्रेंड, पहले हम जान लेते हैं कमजोरी रोग होता क्या है, कमजोरी रोग होता क्या है और इसमें क्या होता है। इस बीमारी में मरीज को सुस्ती और सोने की इच्छा तेज होती है, साथ ही साथ ज़्यादा थकान महसूस होता है, उसे कुछ करने की इच्छा नहीं करती। इसके साथ हाथ पैर में झुनझुनाहट एवं जलन एवं कमजोरी सी महसूस आती है। इसके अलावा चक्कर आना और साथ ही साथ हाथ पैर में दर्द भी आदि कमजोरी के लक्षण हैं, जिसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड, इस दवा का उपयोग और भी कई प्रकार की बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे खून की कमी, बालों का सफ़ेद होना, विटामिन 12 की कमी आदि में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अब हम जान लेते हैं कि क्या एस्टमिन फोर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो हाँ, इस दवा के निम्न साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि चक्कर आना। इस दवा के यूज करने से चक्कर आ सकता है, पेट में ऐंठन, त्वचा में खुजली आदि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखें तो इस दवा का उपयोग करना तुरंत ही बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लेकर इस दवा का उपयोग करें। अब हम बात कर लेते हैं इस दवा का उपयोग करने का तरीका क्या है और इस दवा का उपयोग गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं या नहीं। तो इस दवा का उपयोग करने का तरीका पहले हम जान लेते हैं। इस दवा का उपयोग करने का तरीका, इस दवा को एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद लेना चाहिए अगर ज़्यादा कमजोरी है। अगर हल्का फुल्का कमजोरी के लक्षण दिख रहे हैं तो एक एक गोली सुबह में इस दवा का उपयोग करना चाहिए भोजन के बाद। अब फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि यह दवा कहाँ से मिलेगी। इस दवा को आप किसी भी मेडिकल हॉल से ले सकते हैं। एस्टमिन फोर्ट नाम से आप किसी भी मेडिकल हॉल से ले सकते हैं। 10 कैप्सूल का स्टिप आपको मात्र 60 से 70 रुपए में मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल हॉल पे यह दवा उपलब्ध रहती है। हर मेडिकल हॉल पे आप किसी भी मेडिकल हॉल से यह दवा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या यह दवा गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ है या नहीं सेफ है। तो एस्टमिन फोर्ट यह दवा गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ मानी गई है, क्योंकि फ्रेंड आप अधिकतर देखते होंगे कि गर्भावस्था के समय महिलाओं को कमजोरी, थकान, चक्कर आदि समस्याएं होने लगती हैं, जिसमें इस दवा का उपयोग एस्टमिन फोर्ट का किया जाता है। यह गर्भावस्था के समय सेफ है माँ एवं बच्चे के लिए, इसलिए इस दवा का उपयोग किया जाता है गर्भावस्था के समय, जिससे माँ को पोषण एवं बच्चे का विकास अधिक होता है और स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड, इस दवा के यूज एवं साइड इफ़ेक्ट हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।